नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का भाजपा पर बड़ा आरोप। उनका कहना है कि भाजपा का काम दंगे करवाना है। जहांगीरपुरी हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि भाजपा का काम दंगे करवाना है और जहांगीरपुरी की घटना भी बीजेपी द्वारा ही प्रायोजित थी। आप नेता ने कहा है कि पिछले 7 सालों में 3400 दंगे हुए। भाजपा ने जहांगीरपुरी में दंगा करवाकर इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी कांड में गिरफ्तार अंसार भाजपा का आदमी है। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं त्री नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज उद्घाटन करके यहाँ पे अपने कार्यालय में पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह तोमर जी, जो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती रही है सर ये फुट ओवर ब्रिज के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले शायद 50 साल से पहले एक सुरंग बनी थी जो शकुपुर गांव है और रिंग रोड है, बीच में रिंग रोड है, उसके बाद लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया है। वहां पर शकुपुर गांव का दादा देवता मंदिर है, इनका इस देव का मंदिर है जो गांव के लोग हैं उनका, तो तमाम गांव के लोग वहां पर पूजा करने जाते हैं उस मंदिर में, दादा देवता मंदिर में। तो कभी किसी जमाने में कोई सुरंग बनी थी, सुरंग जब बनी थी उसके बाद फिर फ्लाईओवर बनाया इसके ऊपर तो और ऊंचा हो गया। तो लगातार जब 30 सालों से लगातार डिमांड थी, जब से विधानसभा बनी है दिल्ली के अंदर 1993 में, तब से यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि किसी तरीके से यहाँ पर फुटओवर ब्रिज बन जाए, क्योंकि शकुपुर गांव अब गांव है, जमीन तो है नहीं गांव वालों के पास, अब उनका जो जीवन यापन होता है वो किराए से होता है। तो तमाम किसी के पास 20 कमरे हैं, किसी के पास 40 कमरे हैं, किसी के पास 50 कमरे हैं, किसी के पास हॉल है बड़ा उन्होंने दे रखा है, इस तरीके से वहाँ पर काम होता है। तो करीब 10,000 किराएदार वहाँ पर रहते हैं और वो किराएदार लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, उनको भी जाना होता है वहाँ से सुरंग से। वो सुरंग बहुत पुरानी हो गई और वो बहुत खतरनाक है अब। तो बहुत डिमांड थी लोगों की यहाँ पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए। मैंने बहुत प्रयास किया और आज बड़ी खुशी है कि फुटओवर ब्रिज का आज हमने लोकार्पण किया है। माननीय संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा से सांसद वो आए थे, हमने मिलकर उसका लोकार्पण किया है, फुटओवर ब्रिज तैयार है। एक चुनौती थी बहुत बड़ी, बार बार रिजेक्ट होता था कि जो यूटी पैक एक कमेटी बनती थी वो फिजिबल नहीं होता था, उनको बनाने का कोई तरीका नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने एक बार जब बारिश के दिनों में उनको बुलाया, मीटिंग रखवाई, और जब मैं उनको ले गया उसके अंदर, जब बारिश में 2 फुट तो पानी था उसके अंदर, उसकी ऊंचाई 5 फुट है सिर्फ सुरंग की, देखो झुक के जाना है, पानी में से जाना है, अंधेरा है, बहुत खतरनाक था। तो फिर कहीं जाकर वो पास हुआ फुटओवर ब्रिज और आज फुटओवर ब्रिज तैयार है। तो काफी चुनौती रही। अपनी विधानसभा में अभी तक कितने फुटओवर ब्रिज तैयार करवा चुके हैं आप? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में अब पिछले 7 सालों में 4 फुटओवर ब्रिज बनाए हैं, एक नाहर सिंह मार्ग पर कन्हैया नगर से थोड़ा आगे त्रिनगर के अंदर, एक नेताजी सुभाष प्लेस पर, एक पीतमपुरा गांव सेवा मार्केट में जो रोहिणी को जोड़ता है वो, और एक हमने बनाया आज जिसका आज लोकार्पण किया है। तो 4 फुटओवर ब्रिज हमने बनाए हैं मैंने 2015 के बाद अब तक। जहांगीरपुरी में जो घटना घटी है कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, बीजेपी का काम क्या है, पिछले 7 साल में 3400 दंगे हुए, उसमें एक लिस्ट बढ़ा दी, 3401 हो गई अभी है। ये दंगे खुद करवाते हैं, ये दंगों करवाने वाली गुंडे वाली पार्टी है, ये दंगे खुद करवाते हैं, प्रायोजित करते हैं। अंसार का देख लीजिए, वो अंसार बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोग्राफ है उसके, ठीक है। तो सब ये प्रायोजित था, ये भारतीय जनता पार्टी करवाती है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि दंगाइयों को सपोर्ट करने वालों पर बुलडोजर चलवाया है और भी बुलडोजर चलवाएंगे। मुझे समझ नहीं आता दंगाइयों किसको दंगाई मानते हैं वो। हमने तो एक बात कही सीधी, जो भी इस दंगे का जिम्मेदार है, कोई भी है, चाहे वो ABC जो भी है, उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि ये कौन है ये कौन नहीं है, ठीक है। अब अगर जो दंगाई की बात करते हैं तो क्या वो गुप्ता जी दंगाई है, क्या वो झा जो पान वाला वो दंगाई है, क्या जो तमाम जो सोनू कह रहा था कि मैं हिंदू हूँ, मेरी दुकान तोड़ दी, सारे दंगाई हो गए। आप क्या क्या देश को संदेश देना, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं आप ये? तो हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।